एक बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव न्यूज आ रही है ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ से। कनाडा ने जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स का सिलसिला जो शुरू किया था उसमें बीसी गवर्नमेंट ने आज कंफर्म कर दिया है कि 4 मार्च से वो इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। और उसमें मैं ये बता दूं कि इसमें कुछ फिगर्स जो हैं वो सामने आई हैं, जैसे कि हर प्रोविंस को एक कोटा मिलेगा, उसमें ब्रिटिश कोलंबिया सरकार का 83,000 प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर्स का कोटा है जो फेडरल गवर्नमेंट ने बीसी गवर्नमेंट को दिया है। तो इसमें मैं और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 53% जो लेटर्स हैं वो पब्लिक कॉलेजेस को दी गई हैं और 47% जो लेटर्स हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस को दी गई है, क्योंकि पिछले साल 2023 में लगभग 97,000 वीजा जो थे वो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में अप्लाई हुए थे, जिसमें से 60,000 जो थे वो वीजा अप्रूव्ड हुए थे। लगभग लगभग 60-61% का जो था वो सक्सेस रेट था ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। और इस साल गवर्नमेंट ने खुद ही ये बोला है कि 83,000 लेटर्स अगर इशू होंगी तो अगर हम 60% मान के चले तो लगभग लगभग 50,000 जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस को जो है वो वीजा इशू होगा। तो अगर आप भी कनाडा का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हो या आपका कोई दोस्त कनाडा स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता है तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके।